तो सभी विद्वत जनों को मेरा बाल्मीकि मिश्रा का नमस्कार हो। आज हम लोग मास के उपलक्ष्य में एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इस मास को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जैसा कि आप जानते हैं। सनातन धर्म में सभी प्राणी, प्राकृतिक वस्तुएं सभी को जैविक माना जाता है, इसलिए मांस को भी जीवित मानते हैं। इसलिए तो ऐसी कथा है कि अधिक मास में भगवान कृष्ण से बिल्कुल स्तुति करता है कि भगवान, सभी मास की अपनी अपनी महत्ता है, परंतु मेरी तो कोई महत्ता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें पुरुषोत्तम मास माना कहा जाएगा, नाम से जाना जाएगा। इस मास में भगवान की स्तुति बहुत ही पुण्यकारी होती है, इसीलिए आज हमने डॉक्टर योगेंद्र कुमार तिवारी जी से प्रार्थना की कि आप इसके बारे में कुछ हम लोग को बताएं। तो डॉक्टर सत्यनारायण अंकल, आप योगेंद्र तिवारी जी का परिचय दें। सबसे पहले मैं सभी विद्वत जन को, भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। कृष्णा और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत परिषद की ओर से हम सबका अभिनंदन करते हैं और बालमुकुंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस संस्था को संचालित करने का भार अपने ऊपर लिया है। उनकी तन्मयता, उनकी लगन, उनकी निष्ठा इस तरह भगवान की कृपा से बनी रहे और भगवान उन पर अपना आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि वो अपने इस कार्य को सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचा सकें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वो निश्चित रूप से इस शुभ कार्य को एक सुचारू रूप से संचालित करें और इस संस्था को मानव कल्याण के लिए, भक्ति मार्ग के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए वीडियो चालू कर दो। हाँ, इसको दुकान आगे की वीडियो क्या ओर वो प्रसारित और प्रचारित करते रहें। इसके लिए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसा बालमुकुंद जी ने कहा कि ये अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है, इसका अपना एक आध्यात्मिक महात्म्य है। इस मास में भगवान की सेवा के प्रति जो कुछ भी किया जाए उसका 1000 गुना फल के रूप में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज ये सौभाग्य की बात है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत परिषद का शुभारंभ प्रवचन या वक्तव्य शुरू होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। ये पहला अपने में एक अनुष्ठित कार्यक्रम होगा और इसका शुभारंभ हमारे परम विद्वान डॉक्टर योगेंद्र त्रिपाठी जी करने जा रहे हैं। ये भी एक सौभाग्य की बात है। डॉक्टर त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय आपको देना चाहूंगा। आप वर्तमान काल में सहायक आचार्य के रूप में संस्कृत विभाग, नेशनल पीजी कॉलेज, बड़हलगंज, गोरखपुर में नियुक्त हैं, कार्यरत हैं। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 2007 में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। इनके शोध का विषय था भारतीय राष्ट्रीय शत्रु परिकल्पना व उसका प्रतिविधान। निश्चित रूप से ये अपने में एक अनूठा विषय है और जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे तो पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर इनके इस शोध कार्य से लाभान्वित अवश्य हो रहे होंगे। आपकी प्रतिभा बहुमुखी है। बहुत से क्षेत्रों में आपने अपनी विद्वता का परिचय दिया है। कुछ
क्षेत्र ऐसे हैं जिनका मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी ने भारतीय राजशास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में काफी योगदान दिया है। तत्पश्चात आधुनिक संस्कृत साहित्य, गीत व उपन्यास, श्री कृष्ण के सिद्धांत पर इज़राइल का अभ्युदय, भूगोल के संस्थापक ऋषि अर्थव, भारतीय शोध की आदर्श विधि तंत्रायुक्त, भारद्वाज के विमान शास्त्र की तंत्रायुक्त, व्याधियों की चिकित्सा व निदान में ज्योतिष शास्त्र की प्रासंगिकता, भारतीय राष्ट्र की नई शिक्षा नीति में प्रवेश इत्यादि बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर आपने अपने विद्वतापूर्ण विचारों को विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त आपने बहुत से शोध पत्र भी विविध सम्माननीय संस्थाओं में प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से विश्व संस्कृत सम्मेलन व अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पाठ्य संस्था में रामायण शत्रुजम शोध पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 2 शोध पत्र इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया था, एक पंचतंत्र में व्यावहारिक सिद्धांत, दूसरा पंचतंत्र में शत्रु विमर्श। तो इस तरह से देखा जाए तो डॉक्टर त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है। भारतीय संस्कृति और संस्कृत पर इनका बहुत अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। आप अभी बहुत ही नवयुवक हैं और आपसे भारतवर्ष को, हम सबको बहुत सारी आशाएं हैं और इसी तरह से आप लगन पूर्वक अपने उद्देश्य में लगे रहें, ऐसा भगवान श्री कृष्ण से हमारी प्रार्थना है। आज का विषय जो डॉक्टर त्रिपाठी जी हम लोगों के सन्मुख इस अधिक मास में प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है भगवान शंकर का आध्यात्मिक स्वरूप। बहुत ही सुंदर विषय है, मुझे विश्वास है कि आप शास्त्र के माध्यम से हम लोगों को भगवान शंकर का आध्यात्मिक स्वरूप प्रस्तुत करने में रुचि पूर्वक इसको प्रदर्शित करेंगे और हम सब इससे लाभान्वित होंगे। सो अब आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप आएं और अपने विचारों को व्यक्त करें। डॉक्टर त्रिपाठी आवाज तो आ रही है सर ना? बहुत बहुत सुंदर से आ रही है, बस एक छोटी सी टेक्निकलिटी। बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। एक छोटी सी टेक्निकलिटी, ज़ूम का ये 40 मिनट का अपना हमारा फ्री सेटअप है, तो 40 मिनट बाद रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगी, तो वी विल वापस, हम लोग वापस उसी नहीं, समय सीमा का नहीं सर, 40 मिनट बाद जैसे बंद होगा वैसे अपने आप वापस ज्वाइन करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर अनदर 40 मिनट्स। सही से पर ऑनलाइन फिर कंटिन्यू कर लेंगे। हां फिर से वापस ज्वाइन करेंगे। हरि ओम गणानंत्वा गणपति गंघवामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति गंघवामहे, वसो मम याहम जानि गर्भधम तमजासि गर्भधम्म, अहम रुद्रैर् वसुभिश्च रामहमादित्यैरुत विश्वदेवैः, अहं मित्रावरणो भागर्मि अहमिन्द्राग्निर्हम अश्विनो भा, अहं सोममाहनसं विभर्मि अहं त्वष्टारमुत भूषणं भगं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सौभाग्य है हम लोगों का कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत मंच के आभासी संगमन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस परिषद के सभी सम्मानित आदरणीय जनों के अंतःकरण में शक्ति सहित निवास करने वाले परमात्मा शिव को प्रणाम करता हूं। भाई बाल मुकुंद जी, आदरणीय
लक्ष्मीकांत चंद्रवल जी और नारायण सत्यनारायण सत्यमूर्ति स्वरूप जी हैं और भाई देवेश मिश्र जी और भी जो लोग अभी जुड़ेंगे, मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों पर आना चाहूंगा। यह पुरुषोत्तम मास है कि इसको भगवान विष्णु ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि मैं इस मास का अधिपति हूं। और यह मास जो है ऐसा है कि निश्चित रूप से इसमें हमारे शरीर के अंदर आपका ऑडियो फ्रीज हो गया है और आपका वीडियो फ्रीज हो गया है योगेंद्र जी। आवाज आ रही है? हाँ, कनेक्टेड है आप लेकिन फ्रीज हो गया है, मे बी बैंडविड्थ कंज्यूम हो गया था। ठीक है, अब सुनाई पड़ा वापस। कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं थोड़ा इसको दूर रख दे रहा हूँ तो आ जाएगा। जो पहले उसके बाद में भगवान बैंडविड्थ की लिमिटेशन होगी तो अगर व्हाई नॉट वी ऑल डिसेबल अवर वीडियो, सिर्फ उन्हीं का वीडियो चले तो हो सकता है उनका उनको बैंडविड्थ सफिशिएंट मिल जाए और जब जो जिसको बोलना होगा तब वो अपना वीडियो एक्टिवेट कर दे। ये कुछ जो नहीं पा रहा, ऐसा नहीं, कुछ कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। नहीं, हमने बैंडविड्थ का लिमिटेशन है तो हमने अपना सबका अपना अपना वीडियो बंद कर दिया है, अब सिर्फ आपका वीडियो चलेगा। So that way bandwidth will be limited. आपका consumption bandwidth का limited हो जाएगा। Thank you sir. सही है ना भैया? हाँ, बस ठीक है, छोड़ दीजिए। अब आपका चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सादर प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ। यह बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि हम सज्जन लोगों से जुड़ते हैं, सत से जुड़ते हैं। पद्म पुराण में कुछ पंक्तियां आती हैं, तदनुसार हर्ष प्रदो निराम पापहा निकृत जीवन औषधम जन्म मृत्यु हरो विप्र सदभि सह समागम यानि यानि दुरापाने वांछितानि महीतले प्राप्यन्ते तानि तान्येव साधुनापि हि संगमात। यानी जब हम किसी सज्जन व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, सत का संग करते हैं, सत अर्थात परमात्मा का संग करते हैं, परमात्मा के भक्तों का संग करते हैं, भक्ति का संग करते हैं, भजन का संग करते हैं, तो निश्चित रूप से वह मनुष्यों को अत्यंत ही हर्ष देने वाला होता है। और क्षय को प्राप्त होते हैं और साथ जीवन के लिए वह बड़ी बड़ी औषधियों का काम करता है। और वह जन्म और मृत्यु रूपी यह जो संसरण है, संसार का बंधन है, इसका वह विनाश करता है। और जो कुछ भी संसार में नहीं मिल सकता हो वह सब परमात्मा अपने अनुग्रह से देते हैं।
और इस संगति को सत्संगति को गंगा की तरह से पावन कारक माना गया है। यह स्नातः पापहरया साधु संगमः गंगया किम तस्यादानैः किम तीर्थैः किम तपोभिः किम अध्वरैः, अर्थात जिसने भी संपूर्ण पापों का हरण करने वाली सज्जनों के संगम रूपी गंगा में अर्थात भक्तों की संगम रूपी गंगा में स्नान कर लिया है, निश्चित रूप से उसे अन्य किसी दान करने की अथवा तीर्थ के सेवन करने की तीर्थ क्षेत्र में जाने की अथवा अन्य किसी भी तप की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि प्रमाण है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग तूल नाहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो इस हम सत्संग में भगवान शिव की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हम आभासी उपस्थिति में है। मैं जिन बिंदुओं पर अपनी बातों को लेकर के आगे आ रहा हूँ वो बातें हैं भगवान शंकर। भगवान का मतलब हमारे यहाँ जो पारिभाषिक अर्थों में माना गया है, जैसा कि विष्णु पुराण में आया हुआ है, सृष्टि संहार कर्तारम विलय स्थिति कारकम अनुग्रह करम देवम प्रणतार्थ विनाशनम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभाषिने ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। अर्थात वह देवता जो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से मंडित हो, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य जो है अंतर्हित है, और जो संपूर्ण भूतों की अर्थात जीवों के उत्पत्ति और प्रलय को अर्थात उन्मेष और निमेश को साकल्यन जानता है तथा विद्या और विद्या दोनों को जो जानता है, उसी को वास्तव में भगवान कहा जाता है। और ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य यशस्य वैराग्यस्य च मोक्षस्य षण्णांग भगयति स्मृतः। अर्थात एक और भी इसका अर्थ निकलता है कि हमारे संस्कृत वाङ्मय में, हमारी वैदिक परंपरा में ये माना गया है कि जो ये छह बातें हैं, यह जो छह उपयोगिनी पक्ष हैं, उनको हम भग के नाम से जानते हैं। वह है संपूर्ण ऐश्वर्य यानी संपूर्ण सृष्टि का नियमन करना, और ज्ञान वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप होना, और उसके अंदर सभी प्रकार का यश मंडित होना, और लक्ष्मी से उसका श्री से अर्थात शक्ति से उसका अधिष्ठित होना, और पूर्ण विरक्त होना यानी वैराग्य संपन्नता, और मोक्ष नित्य मुक्ति होता है। ये नित्य मुक्ता ये छह भग कहे जाते हैं, और ये छह भग जिसमें पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसे हम भगवान कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो जिस तत्व की हम वंदना करने जा रहे हैं, स्मरण करने जा रहे हैं, संकीर्तन करने जा रहे हैं भगवान शिव, वह उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, उनमें संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह यश स्वरूप है, वह शक्ति से सदैव जो है समवेत है, और उनमें पूर्ण वैराग है, और मोक्ष वह साक्षात मुक्त है, और यही नहीं जीवों पर कृपा करके मुक्ति भी देने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा जो भगवान पदवाच्य हैं, शंकर 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 का तात्पर्य है कि शम अर्थात जो कल्याण करता है, कल्याणम करोति अर्थात जो कल्याण करता है। कल्याण क्या है? कल्याण यहाँ पर भोगापुरकाख्यम शम करोति शंकर है, अर्थात जो जीवों के संपूर्ण भोगों, जीवों के लिए संपूर्ण भोगों को भी प्रदान करता है, और बाद में चल करके उनको मुक्ति भी प्रदान करता है। वह जो अनुग्रह करने वाला देवता है, उस देवता को हम शंकर कहते हैं। वह देवता नहीं, वो परम तत्व है, देवता तो अवर कोटिक हो जाता है, उस परम कोटिक देवता को, उस महादेव को, भगवान शंकर को, मैं वह जो शंकर है जो जीव मात्र पर अनुग्रह करने के कर रहे हैं, उनका आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक का सीधे सीधे अर्थ होता है, एक तो शरीर आत्मा का एक अर्थ शरीर भी होता है, दूसरा अर्थ मन भी होता है। इसी आधार पर आध्यात्मिक त्रिविध दुखों की
संकल्पना में आध्यात्मिक में वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ के दुखों की चर्चा आती है। तो शरीर और मन अध्यात्म होगा। दूसरा एक अध्यात्म का मतलब है आत्म विषयक, चित्त विषयक, आनंद विषयक। तो भगवान शंकर का जो आनंद विषयक स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है अथवा जो चैतन्य स्वरूप है अथवा जो ज्ञान स्वरूप है वह कैसा है, इन सारे पक्षों का सांगोपांग जो विवेचन है वह पूरा का पूरा हमारा जो विचारणा है, हमारी विचारणा है वह है भगवान शंकर का आध्यात्मिक स्वरूप विमर्श। भगवान शंकर पर वेद से लेकर के आज तक अनवरत कुछ न कुछ लिखा जा रहा है और रुद्राध्यायी का पारायण तो नित्य लोग करते हैं और अगर बहुत ना कर सके तो भगवान शंकर की प्रसन्न let's wait for a couple of minutes. जिस भगवान शंकर के वर्ष जोड़ूंगा ग्रंथ है जो कश्मीर के स्पंद शास्त्र से जुड़ा हुआ है, कश्मीर शैव दर्शन के उस ग्रंथ जिसमें कुल 52 काल और उन्हीं कालिकाओं में भगवान शंकर के विशेष आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन हुआ है। मैं उन्हीं का वाचन करते हुए उन्हीं पर अपनी बातें कहते हुए कैसे सृष्टि आ रही है इसको मैं थोड़ा सा जो है निवेदन करने का प्रयास करता हूं। चूंकि मैं आजमगढ़ जनपद से हूं और आजमगढ़ जनपद में एक लोहिया जगह है, उसी के बगल में भगवान दुर्वासा का जो है शक्तिपीठ है जहां पर भगवान दुर्वासा ने तपस्या किया और जिनको भगवान शिव का ही एक अवतार विशेष भी माना जाता है, देवल दत्तात्रेय और चंद्रमा की भी तपस्थली आजमगढ़ रही है। तो एक ऐसा संदर्भ मिलता है शोमानंद के शिव दृष्टि में कि जब भगवान शिव से संबंधी जो ज्ञान विज्ञान अब विलुप्त होने की ओर जा रहा है तो भगवान ने नीलकंठ स्वरूप धारण करके दुर्वासा जी को आवाहित करके बुलाया है और वो कहते हैं कि कैलासाद्रौ भ्रमन देवो मूर्त्या श्रीकंठ रूपया अनुग्रहाय अवतीर्ण चोदयामास भूतले मुनि दुर्वास। श्रीकंठ के आवाहन पर दुर्वासा जी पहुंचते हैं। दुर्वासा जी को आदेश होता है कि आप इस संपूर्ण जो है शैवागमों का आप जो है समुद्धार करें और इस समुद्धार करने की प्रक्रिया में उन्होंने त्र्यंबक को सारा ज्ञान उपदेश किया दुर्वासा ने। और फिर बाद में चलकर के वसुगुप्त होते हैं, वसुगुप्त से भट्ट कल्लट ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो है उन्होंने कारिकाओं में उसको निबद्ध किया, जिन कारिकाओं स्पंद कारिका कहा जाता है। उसकी जो पहली कारिका है मैं अर्थात जिन परमात्मा के उन्मेष से और निमेष से अर्थात बहिस्फुरण से और अंतःस्फुरण के माध्यम से जगत अर्थात इस संसार का प्रलय अर्थात उद्भव और लय अर्थात कारण में विनाश प्राप्त हुआ करता है, कारण में उसकी समाहिति होती है, उस
शक्तियों के समूह के वैभव के जो स्वयं कारण है उन भगवान शंकर की हम स्तुति कर रहे हैं, उन की स्तुति कर रहे हैं। यह उन्मेष निमेश भगवान शंकर को परम तत्व के मानता है और कहता जितना भी सृष्टि है संपूर्ण की संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की लीला है, परमात्मा की क्रीड़ा है। उन्मेष में अर्थात शंकर है जो परम परम शिव है जिस परम तत्व में प्राप्ति हुआ करती है शंकर की हम वंदना करते हैं। अब शंकर के अंदर जिस तरह की शक्तियां हैं उन शक्तियों के माध्यम से ही यह संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया चलती है। उन शक्तियों के हम सूचना देते हैं कि चर्चा करते हुए आह्लादित महसूस कर रहे हैं कि वह जो संपूर्ण शक्तियां हैं परमात्मा में वह पांच शक्तियां हैं। पहली शक्ति है चिति शक्ति, दूसरी आनंद शक्ति है, तीसरी इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और पांचवी क्रिया शक्ति है। अर्थात शिव सूत्र में आता अर्थात है का वास है और वह सचित है। जैसा कि नेत्र तंत्र में आता है नमः शिवाय सततम् पंचकृत्या विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभाषिने। वह जो है चैतन्य घन है, चैतन्य का उसमें पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण अहंता है, पूर्ण विमर्श है और ऐसा जो सत है चैतन्य है और जो आनंद स्वरूप जो अद्वैत शिव तत्व है शंकर तत्व है उसी के अंदर उसी से सर्वथा अभिन्न शक्ति के रूप में पराशक्ति है, महात्रिपुर सुंदरी है, दुर्गा है, काली है जिसे हम कहते हैं के नाम से भी जानते हैं। तो वह जो परम शक्ति है, परमा शक्ति जो है, आद्या शक्ति है जो शिव के सृजनात्मिका शक्ति है वह आनंद शक्ति है। तो चैतन्य है, आनंद है और उसी परमात्मा में इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति के माध्यम से परमात्मा को हम बहुत श्याम अर्थात मैं अकेले अकेले ठीक नहीं लग रहा है, मैं प्रजाओं का सृजन करूंगा ऐसा उसके अंदर जो है संकल्प जगता है। और ज्ञान शक्ति के माध्यम से वह स्वयं को ही ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के रूप में प्रकट करता है। और क्रिया शक्ति के माध्यम से वह पूरे के पूरे इस जो है चिद अचिद जो जगत है इसका सृजन करता है। शक्ति का यह तो विचार है ही है लेकिन इसके अलावा मात्राओं की दृष्टि से वर्ण मात्रिकाओं की दृष्टि से भी जो है जो हमारी वर्णमाला है इसकी दृष्टि से भी उसमें जो शक्तियां हैं जिन शक्तियों से वह संबंधित है हैं भगवान शंकर उनकी जो सूचना मिलती है तदनुसार
स्वरूप है तो पर आप है और साथ साथ जो वाणी का जो विखर स्वरूप है जो हम लोग अ ई उ रि ए ओ ऐ ओ अंग हम लोगों ने सीखा तदनुसार जितने भी स्वर हैं अ ई उ रि ए ओ ऐ ओ इसकी जो परमा शक्ति है वह महालक्ष्मी जी हैं अधीश्वरी इसकी लक्ष्मी शक्ति है और जो हम लोग क ख ग ङ ये जो वर्ण हमें बिखर के रूप में मिलता है वैखरी वाक जो हमें प्राप्त होती है इसकी संपूर्ण शक्ति ब्राह्मी शक्ति कही जाती है और जो च छ ज झ य है इन वर्णों की संपूर्ण शक्ति माहेश्वरी शक्ति कही जाती है और यह जो ट ठ ड ढ ण है इसकी अधिष्ठात्री जो है वह कौमारी शक्ति है जो कुमार कार्तिकेय से संबंधित है और जो है राशियां हैं यह हमारे वैष्णवी शक्ति के द्वारा उद्भूत है और उस परम शिव की वैष्णवी शक्ति उद्भूत है और प फ ब फ म यह भगवान शंकर की वाराही शक्ति से उत्पन्न है और ऐन्द्रिय शक्ति जो है उससे हमारा य र ल व यह वैखरी वर्ण वाक उत्पन्न है और साथ साथ श ख स और ह यह पूरा का पूरा जो है यह जो तो यह चतुर अक्षर जो अंत के हैं यह चामुंडा शक्ति से उत्पन्न है और अगर हम वर्ण मान पर्यंत जो आता है इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो बनता है अह और जब संस्कृत में प्रातिपदिक बना के इसका प्रयोग करते हैं तो होता है अहम 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 अर्थात जो शंकर तत्व है जिसकी चैतन्य शक्ति है जिसमें चैतन्य शक्ति अनुस्यूत है जैसे चंद्रमा में चंद्रिका जो है अनुस्यूत है अलग अलग नहीं शिव में जो इकार है वह शिव शक्ति है और उस इकार के बिना शिव शव बन जाया करता है शंकर तो वह शंकर जिनमें आकार से लेकर के आकार पर्यंत संपूर्ण वर्ण मात्रिकाएं विद्यमान है उसकी यह अहम विमर्शात्मकता अहम प्रकाशात्मक जो शक्ति है यह उसका पूर्णाहंता स्वरूप है। पूर्णाहंता का मतलब है कि उस शिव में इस प्रकार का प्रत्यय अनुभव में आता है परम शिव में कि मैं ही संपूर्ण वर्ण राशियां हूं